भारत ने चीन से कहा कि वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर बोलना बंद करे। भारत की ये चेतावनी चीन के उस बयान के जवाब में है जिसमें कहा गया था कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का फैसला अवैध है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। The union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and would remain an integral part of India. China has no locus standi to comment on India's internal matters. We hope that countries will not comment on India's internal matters. एशिया की सबसे बड़ी और हाईटेक सुरंग जोजिला टनल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज वर्चुअल ब्लास्ट के जरिए इसकी शुरुआत की। मुझे बहुत खुशी है कि काफी दिनों के बाद आज इस कार्य का प्रत्यक्ष शुभारंभ हुआ है। ये टनल अपने आप में एशिया की सबसे लंबी टनल है। निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। 11,500 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में है। सुरंग देश की सामरिक दृष्टि से भी अहम है। 14.5 किलोमीटर लंबी सुरंग श्रीनगर को लेह लद्दाख से सर्दी में भी जोड़े रखेगी। जोजिला टनल बन जाने से 3 घंटे का सफर 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। टनल बनने से सेना को कारगिल समेत सीमा पर रसद पहुंचाना आसान होगा। टनल बनने से आर्थिक दृष्टि से सालाना 4,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। जोजिला टनल का पहला सर्वे 1997 में किया गया था। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। करीब 7,000 करोड़ रुपए लागत की जोजिला टनल को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भारत ने पाकिस्तान के उस बयान को झूठ बताया है जिसमें भारत की ओर से बातचीत की पेशकश का दावा किया गया था। The official is well advised to restrict his advice to his establishment and not to comment on India's domestic policy. The statements made by him are contrary to facts on the ground, misleading and fictitious. पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइद यूसुफ ने एक भारतीय वेबसाइट पर भारत की ओर से बातचीत प्रस्ताव का दावा किया था। वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज कहा कि सीमा पार से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, सेना भी जवाब दे रही है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की नेपाल यात्रा से पहले वहां के उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी छीन ली गई है। ईश्वर पोखरेल पर नेपाल की सेना को जबरन विवाद में घसीटने का आरोप लगा है। नेपाली रक्षा मंत्रालय का कार्यभार अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पास रहेगा। पोखरेल प्रधानमंत्री कार्यालय में कैबिनेट मंत्री बने रहेंगे। रक्षा मंत्री रहते हुए पोखरेल ने नेपाली सेना के प्रमुख को काला पानी भेजा था, जबकि नेपाली सेना इसके पक्ष में नहीं थी। पोखरेल के खिलाफ नेपाल की सेना में गैर जरूरी दखलंदाजी की भी शिकायतें थी। अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर में कई राजनीतिक दलों ने गठबंधन बना लिया है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के निवास पर बैठक के बाद पीपल अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन की घोषणा हुई और 370 की बहाली के लिए एक साथ संघर्ष करने की बात कही गई। A formal name of this alliance will be People's Alliance for Gupkar Declaration. Our battle is a constitutional battle. We want the government of India to return to the people of this state the rights they held before 5th of August 1990. गुपकार गठबंधन की बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत 5 पार्टियां शामिल हुई। कांग्रेस ने इस बार बैठक से दूरी बनाकर रखी। वहीं बीजेपी ने प्रदर्शन करके इस बैठक का विरोध किया। टीआरपी घोटाले के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क ने बड़ा फैसला लेते हुए न्यूज चैनल्स की टीआरपी जारी करने पर अगले 12 हफ्तों तक रोक लगा दी है। न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन एनबीए ने इस फैसले का स्वागत किया है। एनबीए ने इसे बड़ा कदम बताते हुए कहा कि सिस्टम को पूरी तरह से ठीक करने के लिए ये जरूरी है ताकि न्यूज की विश्वसनीयता को दोबारा बहाल किया जा सके। पिछले दिनों मुंबई पुलिस ने पैसे देकर टीआरपी मैनेज किए जाने का खुलासा किया था। इसे लेकर कुछ न्यूज चैनल्स के नाम भी लिए गए थे। कांग्रेस नेता उदित राज ने कुंभ मेले को लेकर विवादित ट्वीट वापस ले लिया है। असम में सरकारी मदरसा बंद करने के फैसले पर उदित राज ने कहा था कि यूपी सरकार को भी कुंभ मेले में 4200 करोड़ रुपए नहीं देने चाहिए थे। कुंभ मेला ऑर्गेनाइज करने के खिलाफ में नहीं बोला हूँ, मैं फिर से बार बार बोला हूँ
लेकिन जब हेमंत बिस्वा शर्मा जी कहते हैं कि रिलीजियस एक्टिविटीज और कुरान आदि के ऊपर सरकारी खर्च नहीं होना चाहिए, उस कंटेस्ट में कहा है मैंने, मैं कुंभ मेला के खिलाफ नहीं बोला हूँ और मैं क्यों बोलूंगा। बीजेपी ने उदित राज के ट्वीट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जवाब मांगा। उदित राज ने कहा कि ये पार्टी का नहीं उनका व्यक्तिगत बयान था। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समितियों को पैसा देने के ममता सरकार के फैसले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या राज्य सरकार ने इस तरह ईद के वक्त भी पैसा दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि दुर्गा पूजा की परंपरा पर हमें गर्व है, लेकिन क्या लोकतंत्र में सरकार का इस तरह पैसा देना ठीक है। सरकार राज्य की जनता को खुद मास्क और सैनिटाइजर क्यों नहीं बांटती। महामारी की वजह से स्कूल कॉलेज बंद है तो दुर्गा पूजा के आयोजन की इजाजत क्यों दी गई। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि दुर्गा पूजा की सारी व्यवस्था पुलिस देखेगी तो पूजा समितियों को फंड क्यों दिया जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। ममता सरकार ने पूजा समितियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने आज राज्य की कई समितियों की तरफ से आयोजित दुर्गा पूजा का वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी टीम के साथ आज समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश के हर व्यक्ति को आसानी से और कम कीमत पर कोरोना की जांच और वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कोरोना के टेस्ट और सीरो सर्वे को बढ़ाने के निर्देश दिए। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 73 लाख से ज्यादा हो गई है, लेकिन इलाज से मरीजों के ठीक होने की दर भी 87.36% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 67,708 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, 680 लोगों की मौत हुई, जबकि 81,514 मरीज ठीक हो गए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.